आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, जोशी रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं ध्यान में कुछ आपको अलग बताने वाली हूँ, ध्यान के बारे में कुछ अलग बताने वाली हूँ। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कैसे हम और किस प्रकार से अपनी ऊर्जाओं को और किन ऊर्जाओं को जोड़ते हैं, कुछ अलग संदर्भ में, शिव और शक्ति के संदर्भ में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो जरूर देखिए अगर आप ध्यान लगाते हैं और आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो। बहुत सारी चीजें मैं अभी नहीं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। काफी समय से वीडियोस नहीं बना रही थी, अभी बहुत सारी नई चीजें जो कि मैंने जानी ध्यान में, साधना में, अपने टाइम पीरियड में पढ़ के, वो सारी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो ये जो मेरी अभी वीडियोज है उसी की एक सीरीज है। तो अब बात करेंगे हम ध्यान की, मेडिटेशन की। मैं जब भी बात करती हूँ कि आप ध्यान करें तो मैं क्या बोलती हूँ, हर एक ध्यान लगाएं, रोज ध्यान लगाना चाहिए, कम से कम 20 मिनट से 45 मिनट रोज आप लोग ध्यान करें, चाहे आप वेज खाएं चाहे नॉन वेज खाएं, ध्यान जरूर लगाना है। ये हमारी आत्मा का कर्म है, शरीर का कर्म नहीं है। हम अपनी आत्मा की ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं और आत्मा को वेज नॉन वेज से कोई मतलब नहीं है। आपने करना है, आपकी आत्मा का स्तर अपने आप ही इतना ऊंचा हो जाएगा कि आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है। सेल्फ अपनी गाइडेंस लेने लगेंगे। तो जब ध्यान लगाते हैं आप लोग, बैठते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अब समझना है। अब ध्यान क्या है, शांत बैठ जाना है किसी भी जगह पे, अपने नीचे एक मोटा आपने गद्दी रखनी है, मोटा कपड़ा रखना है, चद्दर नहीं मोटा कंबल हो जैसे, आपकी ऊर्जाएं नीचे प्रवाहित ना। हमने बेसिकली अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करना है और उस असीम ऊर्जा से हम जुड़ जाएंगे इकट्ठा करते ही, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा फैली है हम उसी के हिस्से, हम उसके साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। हमें शरीर में भी ऊर्जा है और वो ऊर्जा हमारे ऑरे के रूप में आसपास फैली रहती है, और वो ऑरा हमारा आसपास की हवा से जुड़ा है, गैसेस से जुड़ा है, तो हम जुड़ गए ना हमेशा उस ऊर्जाओं के थ्रू। तो जैसे समुद्र में एक घड़ा पानी रख दें तो पानी क्या है, आज घड़े के बाहर भी अंदर ही, वैसे ही हम ईश्वर से हमेशा जुड़े रहते हैं। ईश्वर मतलब वो परम ऊर्जा, उसके साथ हम हमेशा जुड़े रहते हैं। अब हमने अपनी उस ऊर्जाओं को इकट्ठा करना है, वही ध्यान है कि हम अपनी जो सारी चीजें अलग अलग हुई हैं उनको इकट्ठा कर ले, क्योंकि संगठन में ही बल है। हम जानते हैं हमारी अलग अलग ऊर्जाएं हैं, सात्विक ऊर्जा है, राजसिक ऊर्जा है, तामसिक ऊर्जा है, हम सब अपनी ऊर्जाओं को लेंगे, हम तीनों स्तर पे इकट्ठे होंगे, शरीर मन और आत्मा के स्तर पे। तो अब हम इकट्ठे बैठने की कोशिश करते हैं, अपनी शरीर की ऊर्जाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पीठ का सीधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हमारे पीछे से ही सीधे ऊपर जा रही है और वही ऊर्जाओं को लेकर के जाएगी। तभी कहती हूँ आप जब ध्यान लगा रहे हैं, ऊर्जाएं आप बेसिकली यहाँ से थर्ड आई से लेंगे, अंदर जाती रहेंगे आज्ञा चक्र से, लेकिन आप ध्यान पीछे लगाएंगे, आपकी पीठ में जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, गड्ढा सा होता है, वहाँ लगा लें ध्यान। वहाँ आप ध्यान लगाएंगे तो ये जितनी भी ऊर्जाएं अंदर जा रही हैं वहाँ जाके स्टोर होती रहेंगी। तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी वहाँ है, नीचे आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो ऊपर को जाएगी, वो जागृत होगी, तभी आप आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ोगे, जीवन की आपकी समस्याएं ठीक होंगी। तो बेसिकली जब हमने ध्यान लगाना है, यहाँ से ऊर्जाएं आ रही है थर्ड आई चक्र से, और फिर हमने पीछे उसको स्टोर कर लेना। जब हम देख हम सामने रहे, आंखें बंद करके भी हम देखते हैं, दिखता है हमें। अब जब हमें नींद नहीं आ रही होती तब क्या हो रहा है, हमारी वो अंदर वाली आंख खुली होती है, वो हमेशा खुली रहती है, ऐसा लगता है वो बंद ही नहीं हो रही, सोचते जा रहे हम, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वो वाली आंख को भी हमने स्थिर रखना होता है सामने, और पीछे ध्यान लगाना होता है। देखना सामने है, पीछे ध्यान लगाना है, इतना कठिन नहीं है, आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और अब हमने बेसिकली समझना है अपनी ऊर्जाओं को, हमारे सहस्रार चक्र के द्वारा ही हम उस ईश्वर से जुड़ते हैं, उस परम ऊर्जा से जुड़ते हैं। यहाँ हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश है, कैलाश पर्वत जहाँ पे शिव है, शिव मतलब परम ऊर्जा, परम ऊर्जा यहाँ पर ही है हमारे, जिसके साथ हमें जुड़ना है। यहाँ कैलाश है, यहाँ परम शिव है, और हमें नीचे से अपनी ऊर्जाओं को लाना है, नीचे
मूलाधार चक्र के पीछे हमारी कुंडलिनी शक्ति है, वही है शक्ति। शिव और शक्ति, हमारे अंदर की जो शिव और शक्ति है, वहां कैलाश में शिव है और वो शक्ति, वो तो उस परम शिव से जुड़ी हुई है जो हमारी ऊपर की ऊर्जा है। वो शक्ति जब हम ध्यान लगाते हैं, यहाँ से ऊर्जाएं आ रही हैं और वहां हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, और जब शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जाएं मिल जाती हैं तो हमें कंप्लीटनेस मिलती है। और वो कंप्लीटनेस कभी कभी हमें कुछ सेकंड की मिलती है, कुछ मिनट की मिलती है, और कभी अगर हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं तो आप कुछ घंटों तक भी उसको ले सकते हैं। लेकिन उस लेवल तक जाना ही बहुत मुश्किल होता है, कुछ पल के लिए जाना भी बहुत मुश्किल होता है। कुछ पल में इतना आनंद आ जाता है कि उसके बाद आप जीवन में छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, बहस नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। शिव और शक्ति का संगम हो जाता है। अर्ध नारेश्वर रूप जो कि शिव का है, वो संपूर्णता बताता है। हमारे अंदर फीमेल एनर्जी भी है, मेल एनर्जी भी है। जब हम कंप्लीट तभी होते हैं जब प्लस माइनस दोनों एनर्जीज एक दूसरे से जुड़ जाएं। कंप्लीटनेस उसी में ही है, अलग अलग होने में नहीं है। तब हम अपनी कंप्लीटनेस को फील करते हैं, अपनी दिव्यता को फील करते हैं, अपनी एनर्जी के हाई लेवल को फील करते हैं, अपनी उच्चता को फील करते हैं। और जब हम ये फील कर लेते हैं तो जीवन में हमारे सामने हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर हो जाता है। उन चीज़ों के लिए हम नहीं लड़ते जो चीज़ें हमारे लिए जीवन में नहीं है। वो चीज़ें जो कि हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं रखती, कभी कभी हम उनके लिए ही जीवन भर लड़ते रहते हैं और उन्हीं के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं, आत्मज्ञानी बनते हैं, आत्ममंथन करते हैं, आत्मशोध करते हैं, तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठ के अपने दिव्यता को महसूस करते हैं। अपने अंदर के शिव और शक्ति जो कि कुंडलिनी शक्ति, उन दोनों का मिलन जब हम कराते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर हम किस दिव्य शक्ति के अंश हैं और हम उससे हमेशा जुड़े हैं। जब हमें अपनी दिव्यता का एहसास होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, आपकी वाणी में फ़र्क आता है, आपके विचारों में फ़र्क आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ नहीं। आप पॉजिटिव एनर्जी से गाइडेड होने लग जाते हैं। वो परम ऊर्जा जब आप संगठित हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, वो आपको गाइड करती है, आपको खुद दिशा देती है, बताती है आपको क्या करना है। यही तो आप चाहते हैं ना कि आप कॉन्फिडेंट रहें, बली रहें, मजबूत रहें। डेली ध्यान लगाइए, समझिए आप अपने अंदर के शिव और शक्ति को मिला के अपने अंदर का जो अर्ध नारेश्वर रूप है उसको आप ले लेंगे और कहीं ना कहीं अपने अंदर की कंप्लीटनेस को कुछ ही पल के लिए बढ़े लेकिन फील करेंगे। अब आप देखिए, शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे पार्वती माँ ने शिव की आराधना की, उन्होंने शिव के लिए तपस्या की, शिव को पाया, उसके बाद भी वो लगातार अपनी साधनाओं में बैठी रही और उस उच्च स्तर के साथ कम से कम अर्ध नारेश्वर बनने से पहले, उस रूप तक पहुंचने से पहले उन्होंने सारे सोपान पार किए, तंत्र शिक्षा भी सीखी, सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि उन्हें उस लेवल पे, शिव के लेवल पे पहुंचना था। ये तो हमारा शिव है ऊपर का, कैलाश पर्वत में या शिव। हमें अपनी नीचे से कुंडलिनी शक्ति को, उस हमारी जो शक्ति है उसी को ये हमें जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ऊपर लाना होता है। जैसे माँ पार्वती ने अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा के शिव तक की शक्तियों तक लेके अर्ध नारेश्वर रूप को लिया उन्होंने, वैसे ही हमें अपनी शक्ति को बढ़ाकर ऊपर तक सहस्रार तक ले जाकर उस अपने खुद के अर्ध नारेश्वर स्वरूप को पाना होता है। अब आप समझे कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कितनी अनोखी चीज़ें हैं, कितनी अमेजिंग चीज़ें मेडिटेशन, योग और ध्यान। जब हम करने लग जाते हैं तो अपने अंदर ही हम इतने अच्छे अच्छे परिवर्तन होते हैं, इतना अच्छा लगता है कि हम आत्मज्ञानी होने लग जाते हैं। और वो जो सुखानुभूति होती है ना, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो जरूर ध्यान लगाना शुरू कीजिए, खुद से जुड़िए, सकारात्मक रहिए। समय जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी बातों को समझेंगे तो अपने आप ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरफ आपको धकेलेगा और आप भी अपनी संपूर्णता को महसूस कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ, ज्योतिष में, अंक शास्त्र में, वास्तु में, ऑरे में, रेकी में। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिए, लाइक तो आप पहले ही कर दिया कीजिए, और मुझे बहुत सारे आपके लिए कमेंट चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे चाहिए कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहें, कोऑर्डिनेट करते रहें, और मुझे एहसास हो कि आप मेरी YouTube की फैमिली हैं। अगर मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तो आप भी मेरे साथ जुड़े, ताकि मैं मोटिवेशन लेती रहूँ और आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। देखिए, ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर रेकी हीलर हूँ, आपको सीखने के लिए कहती हूँ। रेकी भी अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रेकी आपको करानी है तो भी कर सकते हैं, कुंडली दिखानी है तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये तो एक अलग बात हुई। लेकिन जो मैं वीडियोज बना रही हूँ वो मैं जरूरी नहीं है कि अपने काम के लिए ही बना रही हूँ, आप लोगों को इन चीजों का सही ज्ञान देने के लिए बना रही हूँ। ये चीजें मैं आपको मेरे पास क्लास में आए तो भी बता सकती थी, लेकिन मेरे लिए जरूरी है ये ज्ञान आप तक पहुंचाना, ये चीजें आपको सरल शब्दों में बताना। रेकी हीलर और ये होने के नाते नहीं, जो इस आध्यात्मिक लेवल की मैं यात्रा कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी उसके साथ जुड़े रहें, और मैं आपको उस लेवल पे हर चीज को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, जब मैं इतनी आपके लिए मेहनत करती हूँ तो आपने मेहनत करनी है, बढ़िया सा कमेंट, अच्छा सा लाइक, मुझसे जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो, अपने आप को समझिए, अपनों को समझिए और अपनी उन्नति करते रहिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।